आपका जो मैं डिबेट कर रहा था, आपने एक वो किया था स्टीफन जे, आई डोंट नो हिज लास्ट नेम, स्टीवन जे गोल्ड। जी, गोल्ड। हाँ सर, मैंने ये नाम पढ़ा तो मैं उसके बाद फिर देखने लगे ये कौन है, ये क्या बंदा है, ये एवोल्यूशन के इसका क्या है। पर मेरे को जहां तक समझ आया, क्योंकि आपने उसकी एविडेंस उसके पेपर दिखाए थे, तो मैं इसका ना वो पढ़ रहा था कि वो कैसे किया, क्या क्या किया। तो यही होता है ना कि कुछ नॉलेज लो फिर उस पर आगे रिसर्च करो, ज्यादा नहीं करी मैंने सर वही किया। जी तो सर पर उसका तो जहां तक मुझे समझ आया, उसने तो एवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया था, वो उसने तो एवोल्यूशनिस्ट है, बहुत पक्का एवोल्यूशनिस्ट है हाँ वो। हाँ क्योंकि वो वही मैं सोच रहा था। पर आपने उसके फिर पेपर क्यों दिखाए, क्योंकि वो तो एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो जी तो बिल्कुल एक्सेप्ट सही। कर रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर कंफ्यूजिंग देता हूँ। क्वेश्चन तो नहीं कर दिया ना सर मैंने? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, मैं हाँ आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बात जो है ये गालिब कमाल ने भी डिबेट में कही, अभी भी उसके लोग कमेंट्स में आते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं कि अच्छा भाई उसने तो मान लिया है तो तुम उसका हवाला क्यों दे रहे हो। देखें, ये बात जो है ना इंटेलेक्चुअली ये कोई टेनेबल पोजीशन नहीं है, और वो टेनेबल पोजीशन इसलिए नहीं है कि आप किसी से बात करेंगे तो वो आपको कहते हैं कि देखो यार बुखारी में ये लिखा है, देखो मुस्लिम में ये लिखा है, देखो कुरान में ये लिखा है। तो आपको कोई आदमी यही आगे से कह सकता है कि अच्छा यार उसका एंड रिजल्ट तो यही है ना कि अल्लाह एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल हैं। अगर ये हवाले दे रहे हो तो उसका तो एंड रिजल्ट तो यही है, फिर मान लो उसको। वो खुद कहेंगे कि नहीं, हम वो नहीं मानेंगे, लेकिन वो आर्गूमेंट जो आपकी आपकी किताब में से आपके खिलाफ जा रहा है, हम तो वही हवाला देंगे। सो मैं सिर्फ ये समझाने के लिए, कि मेरा आर्गूमेंट नहीं है ये, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि अगर ये आर्गूमेंट है ना, तो फिर आप बुखारी को कोट करना छोड़ दें, आप मुस्लिम को कोट करना छोड़ दें, आप बाकी जो हदीस की किताबें हैं कुरान को कोट करना छोड़ दें। क्योंकि अगर आप उसमें से बताते हैं ना कि देखो इससे तुम्हारा दीन गलत साबित होता है, तो फिर आप कोई भी आपसे कह सकता है फिर इन्हीं से तो दीन ठीक साबित होता है। मेरी बात समझ आ रही नहीं है आपको? वो आ नहीं रही है सर, समझ। हदीसों पे तो वैसे ही बहुत बड़ा एक वो कंट्रोवर्सी चल रही है। कई लोग तो कहते हैं कि हम प्योर कुरानिस्ट हैं, हम तो हदीस मानते ही नहीं है। नहीं वो नहीं कहते हैं कि हदीस, वो नई मैं चीज तो नहीं जा है। ही नहीं रहा उसपे, उसपे तो लेकिन बहुत नहीं, मैं सिर्फ कंट्रोवर्सियल आप डिबेट है। इस्लाम को छोड़ देना, आप इस्लाम को हाँ छोड़ हाँ हाँ लेट्स मैं नॉट टेक सिर्फ रिलीजन ये इनटू जो इट। हाँ इस आर्गुमेंट की जो नहीं, रिलीजन को जरूर लें, मैं सिर्फ इस्लाम की मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ना, कि कोई मैं किसी क्रिश्चियन से अगर कहूँ, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरा आर्गूमेंट है, मैं इस आर्गूमेंट की कमजोरी आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं किसी क्रिश्चियन से कहता हूँ कि देखो यार तुम्हारी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि, मिसाल के तौर पे कहीं नहीं उसमें नहीं लिखा हुआ कि ईसा अलैहि सलाम जो है वो खुदा के बेटे हैं, ठीक है, और वाकई लिखा भी नहीं है। मैं किसी किस कह देता हूँ, और वो कहेगा आगे से, क्या अगर मेरी बाइबल से तुमने अगर ये साबित करना है तो मेरी बाइबल में, तो फिर हम कहते हैं ना कि बाइबल के मुताबिक फिर वो खुदा के बेटे साबित होते हैं, तो मान जाओ। या अगर मैं कहता हूँ कि देखो यार तुम्हारे ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जो मलाकाइस थे किस तरह से उनको कत्ल करने के लिए भेज दिया गया, वो तो औरतों बच्चों को भी कत्ल कर दिया, तो वो आगे से कहता है कि यार मेरी किताब का हवाला देते हो ना, तो मेरी किताब में तो ये लिखा है ना फिर कि अल्लाह है, तो मान जाओ। तो मैं आपको इस आर्गुमेंट की कमजोरी बता रहा हूं कि ये कोई आर्गुमेंट नहीं होता। अब मैं आता हूं स्टीवन जे गोल्ड की तरफ। स्टीवन जे गोल्ड ने ये, मैं बात इसलिए कह रहा था कि गालिब कमाल अपने चैनल्स पे कहा करता था कि तुम्हारी मजहबी किताबों में इतने पेजेस नहीं हैं जितने हमारे पास फॉसल्स हैं, तो मैं उसको ये बता रहा था कि तुम्हारे पास फॉसल्स नहीं हैं। इवन इस डिबेट में भी गालिब के जो दो प्राइम आर्गूमेंट्स थे वो एक क्रोमोसोम फ्यूजन टू था और क्रोमोसोम दूसरा फॉसल्स था। ये और बात है कि बाद में उसने कहा नहीं, फॉसल्स पीछे चला गया है, अब तो मैं मैच पे बात करूंगा। ये डिबेट यूट्यूब पे मौजूद है, नहीं, आधा मैंने घंटा पूरी उसके लाइव पास देखी था। थी सर, लाइव पूरी लाइव देखी थी मैंने। जी, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उसके लोगों ने ना एक कंपेन शुरू किया कि नहीं, गालिब ने तो फॉसल्स पे बात नहीं की। गालिब के जो पहले आधे घंटे में दो आर्गूमेंट्स थे आपने उसमें बहुत से एक बड़ी ये फॉसल्स फॉसिल का सवाल पूछा था, इसीलिए मैं गया था स्पेशली आफ्टर द डिबेट हारिस के उस चैनल पे यही सवाल पूछने की। सर वो फॉसिल का क्वेश्चन तो रेलिवेंट, आप देख लीजिएगा हारिस के, मैंने ये पूछा था कि नहीं, मुझे आपकी बात पे यकीन है। तो मैंने फिर नाइल एलरिज और स्टीवन जे गोल्ड का जिक्र इसलिए किया था कि तुम लोग जो कहते हो ना कि फॉसिल्स बहुत हैं, वो पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, उनका काम ही फॉसिल्स के साथ है। वो कहते हैं कि फॉसिल्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि तुमने जब फॉसिल्स दिखाने हैं तो तुमने फिर फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म को साबित करना है कि माइक्रो इवोल्यूशन होती 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक नई स्पीशीज में वो कन्वर्ट हो चुके थे, इसके लिए तो फॉसिल्स दिखाने होंगे। लेकिन जिनका काम ही फॉसिल्स इकट्ठे करना है वो कहते हैं कि नहीं, इसलिए उन्होंने फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म को रिजेक्ट करके उन्होंने जो नई थ्योरी दी वो थी पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। तो मैं वो उसको कोट इसलिए कर रहा था कि गालिब अब या फॉसल्स दिखाओ या स्टीवन जे गोल्ड के साथ इत्तफाक कर दो, या उसे कहो कि ये झूठा है, फिर फॉसल्स दिखा दो। मैं सिर्फ तीन मांग रहा हूँ तुमसे, सिर्फ तीन। मैंने बार बार कहते मैं सिर्फ तीन मांग रहा हूँ। एक वो मांग रहा हूँ जो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के दरमियान है, एक वो जो होमो इरेक्टस और सेपियंस के दरमियान है, और एक वो जो एस्ट्रलोपिथेकस और हैबिलिस के दरमियान है, हैबिलिस के दरमियान। ये सिर्फ तीन, तो या तो वो दिखा दो या तुम कह दो कि नहीं फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म झूठा है, स्टीवन जे गोल्ड की बात को मान लो।
میرا اس کو مقصد بتانے کا مقصد یہ تھا, سٹیون جے گولڈ کے جو نظریہ ہے وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو آپس میں کنفلیٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی فیل ہو گیا ہے کہ فوسلز نہیں ہیں. سٹیون جے گولڈ ٹھیک کہتا ہے کہ فوسلز نہیں ہیں بھائی, اس لیے اس نے وہ جو پنک ایک کا نظریہ دیا ہے اس کا تو وہ ریپڈ ایولیوشن والا لوجک ہے نا سر, جہاں تک مجھے تھوڑا بہت سمجھ آیا تھا, سٹیسز اینڈ سالٹیشنز, ہاں ہاں تھوڑا بہت ہی سمجھ آیا تھا سر, میں اتنا تو وہ نہیں پر میں پڑھ رہا تھا بیکاز بہت ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں. میں 20 سیکنڈ میں آسان کرتا ہوں. سٹیسز مطلب یہ ہے کہ ملینز آف ایئر سپیشیز میں کوئی چینج نہیں آتا, سوائز کے کوئی ایئر کے مورفولوجیکل شفٹ نہیں آتی کہ ایک سپیشیز سے نئی نہیں بنتی, چھوٹی موٹی آ جاتی ہیں, جیسے کسی انسان کا رنگ کالا ہوگا کسی کا گورا ہوگا, سپیشیز کے اندر اندر ہی یہ ہو گیا سٹریسز. اور سالٹیشن ہے کہ پھر آل آف سڈن جمپ جائیولوجیکلی, یعنی کہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے, لیکن بہت تیزی کے ساتھ وہ سپیشیز چینج ہو جاتی ہیں, اس لیے فوسلز بچتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے سٹریسز اور سالٹیشن جو سمری ہے بیسیکلی.